तो अपने हाथ की बहुत पुरानी तैयार करी हुई अपने पास बुलेट आई है और ऊपर से इंद्रदेव का बरस गए हैं, बारिश हो गई रे बारिश। अपने पास आ चुकी है बाइक, इसका करेंगे काम आज। इसमें ऐसा काम करेंगे जो आपको मेरे चैनल पे कुछ नया दिखेगा। क्या कर रहे हो, क्या करके मानोगे? भाई तो पूरे पैक। और मौसम भी अच्छा हो रहा है, लगता है फिर से बरसेंगे इंद्र देवता। और फिर से करते हैं ब्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ। चलते हैं फटाफट से शॉप पे, आएंगे आपको क्या करेंगे कुछ खास। तो देखो भाई, जो होना था वो तो हो गया, मतलब बारिश आ चुकी है, मौसम हो गया एकदम मौसम। अभी तो बूंदाबांदी हुई है तो बाइक गीली हुई है। और अपने पास आ चुकी है बाइक, इसका करेंगे काम आज। इसमें ऐसा काम करेंगे जो आपको मेरे चैनल पे कुछ नया दिखेगा। सीटें डबल होंगी लेकिन सिंगल भी रहेगी, ऐसी लुक भी रहेगी। उसमें क्या होगा, ये जो सीट है यहाँ पे इतनी बड़ी बनेगी पीछे, और ये सीट ऊपर उठाएंगे, उसको अंदर फोल्ड कर देंगे और इसको नीचे कर देंगे, तो यही लुक रहेगी। और एक यहाँ छोटी सी लाइट लगाएंगे पीछे, बैक लाइट, बहुत प्यारी लगने वाली है बनने के बाद बाइक। अभी काम स्टार्ट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं, बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। जो पीछे की लुक है ना वो आपको दिखाता हूँ कैसी लगने वाली है। लग रही है ऑसम, ऐसी लुक लगने वाली है पीछे से। अभी तो मैंने ऐसे पकड़ी है, ऐसे दिखाता हूँ आपको, ये लुक लगने वाली है बाइक की, कितनी प्यारी लगेगी। मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रही है, कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। तनेजा डेयरी पे रोक के पनीर कर देना 50 का जीरे वाला। किधर भाई, राती मिला गए। हाँ जी, की होया स्कूटी नू टायर लगता पे, किधर लगता पे? हाँ कोई नहीं, उन्हें चेक कराने सोनी भाई नू। तो अपने हाथ की बहुत पुरानी तैयार करी हुई अपने पास बुलेट आई है और ऊपर से इंद्र देवता बरस गए हैं, बारिश होगी रे बारिश, मज़ेदार एकदम। देख लो पुरानी यादें ताजा होगी। अब ये बरसात बंद होएगी फिर दिखाऊंगा आपको बुलेट, बहुत प्यारी बनाई थी अपने टाइम पर। और ये तो आप देख ही चुके हो, और इसका भी अभी थोड़ा काम करेंगे, अभी दिखाएंगे इसमें क्या करेंगे। इसके अगले शोकर लीक है, छोटे मोटे काम है, कर देंगे ओके करके, इसको तो अभी भेज देंगे, वो गल जाएगी और उसकी उम्मीद है कल या परसों। तो भाई साहब बारिश ने तो आतंक मचा दिया, पूरा पानी भर चुका आगे तक। और यहाँ देखो क्या कर रहे हो, क्या करके मानोगे? भाई तो पूरे पैक, हल्के से भी सिर्फ दाढ़ी गीली होगी, मुंह गीला हुआ है। चलो बढ़िया, तो फिर से करते हैं व्लॉग को कंटिन्यू, मतलब स्टार्ट। डे टू है आज, कल जो काम किया था वो आप पहले देख चुके हो। कुछ काम जो है मैंने अभी नहीं दिखाया था वो आज दिखा देता हूँ, क्या क्या काम किया कल मैंने। पीछे की सीट प्लेट बनाई है बुलेट की, रॉयल एनफील्ड क्लासिक की, जो हमने मॉडिफिकेशन करी थी उसमें। आगे की सीट भी फोल्डेबल होगी, आगे की ऐसे अप करेंगे और पीछे की फोल्ड करके बाहर आ जाएगी, बंदा बैठ जाएगा। सबसे पहले लगेगा ये कब्जा आगे वाली सीट में, पहले आगे वाली सीट में कब्जा लगेगा, फिर फिटिंग धीरे धीरे पीछे पहुंचेगी। और आपको दिखाता हूँ कल क्या क्या काम करा था, बने रही इस वीडियो में एंड तक। कल के दिन में तो ज्यादा काम नहीं हुआ था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और आज करेंगे इस बुलेट का काम। ये आगे वाली सीट है इसकी, इसके यहाँ कब्जा लगेगा तो यहाँ फिट होगा और ये फोल्डेबल हो जाएगी, ऐसे खोलो और ऐसे बंद कर लो। ये सीट प्लेट हमने बनाई है अपने हाथ से, ये ऐसे फोल्ड होगी। ये प्लेटें बनाते हैं पहले तो टेम्परेली बनेंगी हल्की वाली, फिटिंग बना के चेक करके फिर उसके बाद हैवी बना देंगे, उसके ऊपर ये फोल्डेबल हो जाएगी। इसके ऊपर कब्जा लगाते हैं, सबसे पहला काम ये होगा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। कल मैंने ये प्लेट बनाई पूरा दिन लगाने के बाद, और इतना काम हुआ था कल मैं कैमरा नहीं उठा पाया, दो चार लोग आए हुए थे, किसी के सामने होता है कि कैमरा नहीं भी उठा सकते। तो करते हैं फटाफट से काम और आपको दिखाते हैं इस बाइक का, आज इस बाइक का काम निपटा देंगे। ये कब्जा यहाँ फिट होगा, इसमें करते हैं नए सुराख, इसके अकॉर्डिंग कब्जा लगा दिया हमने इसमें, अब खोलते हैं इसको, वेल्डिंग कराते हैं सीट के ऊपर। तो लो जी आगे वाली सीट में तो कब्जा फिट हो चुका है, ये देखो क्या बात है, इसमें तो फिटिंग हो गई है कब्जे की। अब पीछे वाले की सेटिंग बनाते हैं। आखिर जो काम हमने करना था वो हो चुका है, आपको दिखा दूं कि ये देखो
आगे वाली सीट आप देख चुके थे, इस तरह से इसको होल्ड करो और इसको ऐसे, ये पीछे की सीट होगी। अब इसके ऊपर कवर वगैरह चढ़ेगा तो एकदम बढ़िया लगने वाली है। देखो अब डबल सीट होगी, कुछ इस तरह की दिखने वाली है बुलेट। दो बंदे भी बैठ जाएंगे और एक बंदा भी बैठेगा। इसको कलर वगैरह करने के लिए देते हैं और आपको दिखाते हैं। मतलब व्लॉग तो वही है, कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने क्या सोचा था ना, इस जो रॉयल इनफील्ड का एक व्लॉग पूरा एक ही बनाऊंगा, अलग अलग नहीं करूंगा। कई लोगों ने मुझे बोला कि हाँ भाई आप ना एक जो गाड़ी का काम करते हो उसका पूरा एक ही व्लॉग बनाया करो, तो इसलिए फिर एक ही वीडियो शूट की है मैंने पूरी की पूरी। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, आज जो जो करेंगे आपको दिखाएंगे। इसी बुलेट पे आएगा पूरा व्लॉग, इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको रेडी करते हैं, फिर सिनेमेटिक शॉट वगैरह देखना, मजा आने वाला है। कंप्लीट करते हैं, इसको कलर वगैरह करवा देते हैं। और ये देख रहे हो कितनी हैवी मैंने, ये अंदर से भी इसकी दो स्पोर्ट लगा दी, ये ताकि और मजबूती रहे। चलिए पूरी बढ़िया। तो चलो जी, इनको पसंद आ गई है, अब इनको देते हैं भाई। हल्की भी टचिंग होनी है यहाँ पर। कहाँ पर है ये? भी यहाँ है, ये दो तीन जगह टचिंग करनी है, टचिंग करवा के इस पे। अच्छा, ये वो भी टचिंग करवा के इनको देते हैं। तो कमेंट करके बताना बुलेट कैसी लगी, बहुत ही सुंदर बनी है मेरे हिसाब से, तो बहुत मेहनत लगी है। अपनी बाइक हो चुकी है रेडी, फुल एंड फाइनल, बिल्कुल ओके रिपोर्ट। पीछे लाइट भी लग चुकी है, सीटें भी लग चुकी हैं। क्यों भाई साहब, बढ़िया लग रही है? अब एक बार सीट दिखा दो कैसी लग रही है। ये ऐसे खुलेगी सीट और ये ऐसे बंद हो जाएगी। अभी ये हल्की सी ऊपर उठी हुई है, वो धीरे धीरे सेटिंग आ जाएगी। मस्त लग रही है, एकदम ओके होगी जैसे भैया को चाहिए थी। एक बार बाइक दिखा देता हूँ मैं। तो अपनी बाइक बहुत ही सुंदर लग रही है, ये सीट ऐसे डबल बनाई है हमने। अब ये सिंगल सीट होगी, बहुत ही सुंदर लग रही है। दोबारा से शॉट ले लेते हैं। अब घर आ चुके हैं, खाना वाना खा लिया है। वीडियो को एंड करना बहुत जरूरी होता है, तो वीडियो को करते हैं एंड। हाँ, उससे पहले आप बताइए कि बाइक कैसी लगी। मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, मेहनत बहुत हुई है। जो सीट बनाई है ना, सीट बनाने में डबल डबल ट्रिपल मेहनत हुई है। पहले ऐसा कर वैसा कर, मतलब दो तीन बार जुगाड़ फेल हो गए। उसमें आखिरी बार कस्टमर ने भी मुझे राय दी ऐसा करो, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया, अपने दिमाग से किया और बढ़िया बन गया, वो आप देख चुके हो। तो ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग, अच्छी अच्छी बाइकें बनाते रहेंगे और आगे एक अच्छा सा कंसेप्ट बनाने वाला हूँ, वो दिखेगा कुछ दिनों बाद। स्टार्ट करूँगा, थोड़े से पैसे इकट्ठे कर लूँ, उसके बाद स्टार्ट करूँगा। और RX 100 भी तैयार हो रही है अपनी। तो चलो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, जाके लाइक करो, शेयर करो, क्या अच्छा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं कुछ अच्छा सा कंटेंट लेके। बाय बाय, टेक केयर, हैव नाइस डे, बाय बाय।